हेलो गाइस, माय नेम इज़ खुरम शहजाद एंड वेलकम टू माय चैनल खुरम टेक्निकल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पावर पॉइंट का लेसन नंबर 9 करने वाले हैं, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं रिव्यू टैब को। जो इसका प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था स्लाइड शो टैब को। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप वो जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो बिना टाइम देंगे बढ़ते हम आज के टॉपिक की तरफ। हमारे पास यहाँ पे रिव्यू टैब ओपन हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसके ग्रुप्स के बारे में। नंबर 1 पे आता है प्रूफिंग लैंग्वेज कमेंट्स कंपेयर, एंड लास्ट पे आता है वन नोट। इनको वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे। प्रूफिंग नंबर 1 पे जो आता है प्रूफिंग का जो ग्रुप्स है, तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, स्पेलिंग, रिसर्च एंड थीसोरस। सबसे पहले हम देखते हैं स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या है आपके, अगर मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट्स टाइप हुआ है, कोई स्लाइड है, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं विदाउट उसको सेलेक्ट करके आप उसको सेट कर सकते हैं, चाहे आपकी ग्रामर में प्रॉब्लम हो या स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कंप्यूटर, और मैं कंप्यूटर के जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कंप्यूटर टाइप कर दिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें यू नहीं लिखा है। तो जैसे मैं इसको नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करूँगा, तो आप देख रहे हैं नीचे जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो नीचे जो रेड लाइन शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी वर्ड के नीचे रेड लाइन शो हो तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर यहाँ पर ग्रीन लाइन हो तो ग्रीन लाइन का मतलब ये होता है कि उसकी ग्रामर मिस्टेक है। तो इसमें हम इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट नहीं करेंगे और स्पेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोगों के सामने ये डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट में यहाँ पे आ रहा है नॉट इन डिक्शनरी, मतलब ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है जो इसमें यू नहीं है, ये हमारी डिक्शनरी में ऐड नहीं है। और नीचे आ रहा है चेंज टू, आप इसको चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर में, मतलब इसके जो पूरे स्पेलिंग है मुकम्मल कंप्लीट है उसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको अगर इग्नोर करेंगे तो जो कंप्यूटर के वो स्पेलिंग नहीं आएंगे, जो आपने लिखे हुए हैं रॉन्ग स्पेलिंग है तो वो इग्नोर हो के ये स्पेलिंग रहेंगे। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब 10 या ज़्यादा इससे अबव स्पेलिंग मिस्टेक है, इतने वर्ड हैं उनके स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इग्नोर ऑल करेंगे तो सब में वो इग्नोर हो जाएंगे, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो लिखे रहेंगे। अगर हम करते हैं चेंज तो सिर्फ जो एक है सिलेक्ट है उसमें ही चेंजिंग होगी, अगर चेंज ऑल करते हैं तो सब में चेंज होगा, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये ही ऐड हो जाएगा। अगर उसके बाद यहाँ पे आता है सजेशन, ये आपको सजेशन दे रहा है कि जो आपके स्पेलिंग है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर और कंपेयर है, ये उसके मिलते जुलते उन्होंने एक सजेशन के तौर पे आप लोगों को दिखाए हैं, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो करेक्शन कर सकते हैं, ऑटो करेक्शन करते हैं तो वो जो स्पेलिंग मिस्टेक है एक वर्ड के वो कंप्यूटर खुद ही उसको समझ के उसको सेट कर देगा। मैं यहाँ पे इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको चेंज कर दूँगा, मैं यहाँ पर चेंज के ऊपर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं द स्पेलिंग चेक इज़ कम्प्लीट, जो स्पेलिंग का मेथड है वो कम्प्लीट हो चुका है, इसको ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं खुद ब खुद जो उसने कंप्यूटर में जो मिस्टेक थी वो उसने सेट कर दी है। तो ये था स्पेलिंग। और नेक्स्ट यहाँ पे आता है रिसर्च। रिसर्च ये होता है अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं, कोई वर्ड टाइप करते हैं तो रिसर्च करके मतलब उसके रिलेटेड जो भी वर्ड आते हैं वो सारे आपको शो कर देगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ रिसर्च के ऊपर। जैसे मैं रिसर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है रिसर्च वाला। यहाँ पे आप सर्च फॉर मतलब किस रिलेटेड आप इसको करना चाहते हैं, तो हमारा बेसिक जो है वो पावर पॉइंट का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मतलब उससे पावर पॉइंट हम टाइप करते हैं। ये मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट कर लिया, अब इसको मैं पावर पॉइंट और एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कांट फाइंड नो रिजल्ट, वही मतलब ये अगर आपका नेट कनेक्ट होगा तो तभी ये काम करेगा। अगर मैं इसको स्पेलिंग यहाँ पे कुछ और टाइप कर देता हूँ, मैं फर्ज कर लें कंप्यूटर टाइप कर देता हूँ, अब इसको एंटर करता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया ये कुछ डिफ़ॉल्ट
डिफ़ॉल्ट में पड़े होते हैं वर्ल्ड, मतलब जो न्यू होते हैं ना इसमें कंप्यूटर के अलावा, तो वो अगर आपका नेट कनेक्ट होगा तो तभी वो सर्च करेगा, वरना ये जो डिफ़ॉल्ट में कंप्यूटर पड़े कंप्यूटर है या इससे रिलेटेड कुछ और वर्ल्ड होंगे तो वो एज अ डिफ़ॉल्ट में होते हैं, तो वो नेट के विदाउट कनेक्टेड इन नेट वो आपको शो कर देगा। मैंने यहाँ पे टाइप किया है कंप्यूटर, कंप्यूटर में या ऑल रेफरेंसेस बुक, मतलब उन बुक से जो रिलेटेड है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें प्रोसेसर है, प्रोसेसर सीपीयू मेन फ्रेम, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हैं वो उन्होंने शो कर दिया है, लैपटॉप है, नोटबुक है, कुछ भी है, तो मतलब कंप्यूटर का जो मतलब है उससे रिलेटेड, मतलब एज अ सिनोनिम, मतलब उसके जो मिलते जुलते हैं कंपोनेंट्स हैं वो उन लोगों ने शो कर दिए। हम अगर कंप्यूटर की जगह पे कुछ और टाइप करते हैं, जैसे मैं टीचर कर देता हूँ, टीचर टाइप करने के बाद इसको एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं टीचर कौन होता है। एक एडुकेटर होता है, टीचर होता है, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, लेक्चरर, प्रोफेसर, कुछ भी होता है, मतलब जो टीचर होता है आपको टीच करने के लिए होता है, वो किसी भी किस्म का टीचर हो सकता है। एक उस्ताद होता है, वो कोई और काम हो उसमें वो उस्ताद हो, मतलब टीचर का जो भी मीनिंग है उससे रिलेटेड वो आप लोगों को शो कर देगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है थीसोरस, और आप रिसर्च और थीसोरस में ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ये तकरीबन सेम ही है। मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करने के बाद अब थीसोरस के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया वो थीसोरस, अब मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और थीसोरस के ऊपर क्लिक करूँगा, तो जो मैंने सिलेक्ट किया तो वो उससे रिलेटेड उन्होंने शो कर दिया। तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि मैंने इस थीसोरस के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं जो हाईलाइट हुआ है वो रिसर्च है, तो इसमें ये दोनों सेम है तकरीबन। नेक्स्ट यहाँ पे आता है लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज में नंबर वन पे है ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज है। ट्रांसलेट में ये होगा अगर आपके पास कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, जो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करेंगे उसमें आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब अगर इंग्लिश में है तो आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं, फ्रांस में कर सकते हैं, इंडोनेशिया लैंग्वेज में, मतलब जो भी आप लैंग्वेज लाइक करते हैं उसमें आप ट्रांसलेट उसको कर सकते हैं। और लैंग्वेज, इस लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें लैंग्वेज आप लोगों को वो बताएगा कि आपके जो पीसी या लैपटॉप की जो लैंग्वेज है वो शो कर देगा कि कितनी लैंग्वेज हैं वो ऐड है। मेरे पास एक ही है इंग्लिश यूएसए की, जो एज अ डिफ़ॉल्ट के तौर पर है, इंस्टॉल है मेरे पास, तो वो है। उसके बाद अगर आप ऐड एडिशनल लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उर्दू ले लेता हूँ, उर्दू लैंग्वेज, इसको ओके करूँगा और इसको ऐड कर दूँगा। आप इस तरह से इसको ऐड भी कर सकते हैं, और इसको नेट से कनेक्ट करके इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप इस तरह से वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दूँगा, क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेट की बात करते हैं। ट्रांसलेट जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोगों के सामने छोटा सा डायलॉग बॉक्स है जिसमें ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट है, मतलब आपने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, या मिनी ट्रांसलेटर स्पेनिश इंटरनेशनल डॉट, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारा ट्रांसलेट हो जाएगा। तो चूज़ ट्रांसलेशन लैंग्वेज, इसमें आप लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा क्योंकि मेरे पास जो नेट है वो कनेक्ट नहीं है। आप ये माइंड में रखें कि इन सब जो टाइप है इनको करने के लिए आपका नेट जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कमेंट्स, कमेंट्स में ये होता है आप किसी भी वर्ल्ड को कमेंट देना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक स्लाइड ओपन कर लेता हूँ, रिसेंट में जाते हैं और ये लेक्चर वन के नाम से एक मेरे पास स्लाइड है, तो इसको ओपन कर लेते हैं और इसकी सेटिंग सेट करते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास है प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग, इसको मैं कुछ भी कमेंट देना चाहता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे रिव्यू में, रिव्यू में जाने के बाद यहाँ पे न्यू टैब, न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें आप इसको कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग कोडिंग कर देते हैं इसको कमेंट में इस तरह से, अब एंटर क्लिक करेंगे और इस तरह से
आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो शो मार्कअप है इसका क्या मतलब है। पहले ये हाईलाइट नहीं था, जैसे मैंने कमेंट इसमें ऐड किया तो ये हाईलाइट हो गया। मतलब ये है कि जो भी आपने कमेंट किया है उसको आप शो करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं वो जो कमेंट है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। रिमूव तो नहीं हुआ है, दरअसल वो शो उसका जो मार्कअप है वो ख़त्म हुआ है। इसको शो करना चाहते हैं तो दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, इस तरह से ये दोबारा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने कमेंट लगाया था कोडिंग का वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे डेट भी आपको मेंशन करेगा कि कब आप लोगों ने वो कमेंट ऐड किया था इसमें। इस तरह से आप इसमें कमेंट ऐड भी कर सकते हैं, और इसको अगर डेल करना चाहते हैं, इसको एडिट करना चाहते हैं, एडिट कर सकते हैं। न्यू कमेंट के बाद ऑप्शन आता है एडिट कमेंट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे कुछ और टाइप करना चाहते हैं तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। मैंने कुछ भी कर दिया, इसको आप ऐसे करेंगे और शो मार्कअप या इसको इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जो भी आप लोगों ने कमेंट किया इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आता है डिलीट एंड प्रीवियस नेक्स्ट, मतलब कितने ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट लगाए हैं उसके ऊपर नेक्स्ट या प्रीवियस करके आप वो उसके ऊपर कमेंट के ऊपर जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर कमेंट करूँगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ भी, कोई चीज़ है, किसी चीज़ का नेम है, वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेरे जो हमने मतलब इसको स्टडी किया है। तो ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ का नाम होता है, कोई भी चीज़ होती है, जैसे एक मैन हो या कोई भी चीज़ है। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करने से बेहतर है इसको जो हमारा पावर पॉइंट का वही काम करूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको कुछ भी देते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब नेम दे देते हैं हम इसको, कुछ भी कमेंट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आता है प्रीवियस एंड नेक्स्ट, आप नेक्स्ट में जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट में ये होगा पावर पॉइंट रीड द एंड ऑफ ऑल चेंजेस, डू यू वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द चेंजेस, कंटिन्यू करेंगे। आप देख सकते हैं नंबर वन पे है जो है ये वाला कमेंट है, नेक्स्ट करेंगे तो नंबर टू पे जो नेम है ये आ जाएगा। प्रीवियस में करना करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो प्रीवियस का कमेंट है उसके ऊपर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है डेल, आप डेल करना चाहते हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपने सेलेक्ट किया उसको आप इधर से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे डिलीट ऑल मार्कअप ऑन द करंट स्लाइड, मतलब करंट स्लाइड, करंट स्लाइड वो स्लाइड होती है जो आपने ओपन की हुई है, मतलब उसके ऊपर कितने भी कमेंट्स हैं उन सब को, ऑल मार्कअप जो भी हैं उनको आप डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर थ्री पे आता है डिलीट ऑल मार्कअप इन दिस प्रेजेंटेशन, मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपके पास कितनी भी स्लाइड्स हैं उनमें जो कमेंट्स लगे हुए हैं उन सब को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। मैं डिलीट ऑल मार्कअप ऑन द करंट स्लाइड, जो मेरे पास ये स्लाइड है इसके ऊपर मैंने कमेंट ऐड किया था वो मैंने रिमूव कर दिया। तो ये था कमेंट का ऑप्शन भी कम्प्लीट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कंपेयर, कंपेयर आप लोगों को आसान लफ्जों में बता दूँ कि मुआवजना करना होता है दो चीज़ों के दरमियान में, तो कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से आप लोग। इसमें यह होता है कि आप इसमें स्लाइड को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ये स्लाइड्स कितनी पड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास 40 स्लाइड्स पड़े हैं और मैं एक और फाइल ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो 40 है इसके बाद 41 42 इस तरह से जो स्लाइड्स है वो आए, इसके साथ मर्ज हो जाए। तो मैं कंपेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो भी आपके स्लाइड डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं वो आप लोगों के सामने खुल के आ जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे जो स्लाइड है उसको चूज़ करें, मेरे पास एक स्लाइड पड़ी है तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे मर्ज कर दूँगा। जैसे मैं करूँगा फॉरम मेड नो चेंज टू दिस प्रेजेंटेशन, क्योंकि मेरे पास जो ऑलरेडी है सिर्फ वही ओपन है स्लाइड, मेरे पास सिर्फ एक स्लाइड पड़ी है इसलिए ये मर्ज नहीं हो रही है। मैं अब कोशिश करता हूँ कि मोबाइल कनेक्ट करके उसमें स्लाइड ओपन कर दूँगा। मैं कंपेयर में जाता हूँ और मैं मोबाइल से कनेक्ट करके जो स्लाइड है इसमें अभी ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो स्लाइड मैंने ऐड कर दी है, अब हम दोबारा जाते हैं कंपेयर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेक्चर थ्री मैंने ऐड कर दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसको मर्ज कर देंगे।
जैसे मैंने इसको ऊपर क्लिक किया है तो ये मर्ज हो चुकी है। उसके साथ ही अब आप इसको नीचे से स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ये 40 है और इसके ऊपर ये आ चुका है। इस तरह से ये स्लाइड ओपन हो चुकी है और यहाँ पे ये जो है प्रेजेंटेशन चेंज, आप इसमें चेंज करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज़ है, स्लाइड 2, 3, 4, ये जो सारी स्लाइड्स हैं ये यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। और इसको मैं मूव करके ऊपर ले जाता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने ये ऐड कर दिया। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक साथ ही जो दो स्लाइड हैं वो मर्ज हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो स्लाइड थी इसमें जो इसके स्लाइड्स कितनी हैं इसमें आप देख सकते हैं कि स्लाइड्स हैं जो वो मैं उनकी जो ये स्लाइड, ये मेरे पास 29 स्लाइड्स हैं जो मैंने बाद में ऐड की हैं, वो 29 स्लाइड हैं। उसके बाद जो नंबर 1 पे स्लाइड थी वो आगे आ चुकी हैं, मतलब आगे 30 से शुरू हुई हैं और आगे आप टोटल स्लाइड्स देख सकते हैं वो 69 है। मतलब ये एक साथ मर्ज हो चुकी हैं कि एक स्लाइड आई है उसके बाद आगे जो स्लाइड्स हैं वो एक साथ मर्ज हो चुकी हैं। तो आप इनको सेव करके जितनी जो दो स्लाइड्स को एक स्लाइड बना सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट ऑल चेंज टू द प्रेजेंटेशन। मतलब इस प्रेजेंटेशन हमने जो बनाई इसमें हमने चेंजिंग किया, चेंजिंग क्या किया कि हमने वो स्लाइड इसमें ऐड किया। आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंड प्रीवियस है, आप ये स्लाइड से मूव हो सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट में जाएंगे, इस तरह से ये मूव होती जाएगी नेक्स्ट वाली स्लाइड, इसके ऊपर आप क्लिक करके जा सकते हैं। और यहाँ पे प्रीवियस में जाना चाहते हैं तो वो प्रीवियस स्लाइड में आप जा सकते हैं। इसी तरह से जो डायलॉग बॉक्स है इसको यहाँ पे रिबीमिंग पेन, ये पेन जो है हमारे पास ओपन है, इसको आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते तो प्रेजेंटेशन पूरी स्लाइड देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो जाएगा। इसको क्लोज यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से रिबीमिंग पेन इसको यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है एंड रिव्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आर यूजर वांट टू लेक्चर वन, मतलब ये जो लेक्चर वन है इसके ऊपर इस तरह से चला जाएगा अब्स्ट्रैक्ट और ये इस तरह से एंड रिव्यू। उसके बाद ये हमारे पास कंपेयर का ऑप्शन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है लिंक्ड नोट्स, जो भी आप इसमें लिंक कर सकते हैं नोट्स को, जो प्रेजेंटेशन किया आप वो लिंक नोट्स में आप इसको लिंक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर कर्सर रखा है तो नीचे आ रहा है क्रिएट क्रिएट और ओपन नोट्स अबाउट दिस प्रेजेंटेशन, मतलब इस प्रेजेंटेशन के अबाउट जो भी नोट्स वगैरह आप उनको वन नोट विल कीप लिंक बैक टू दिस प्रेजेंटेशन विद ईच लाइन ऑफ नोट्स, यू कैन ओपन द नोट वन नोट नोट्स बाई क्लिकिंग दिस बटन अगेन, मतलब इसके ऊपर आप क्लिक कर, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो चुका है। पिक अ सेक्शन और पेज इन विच टू पुट द आइटम, आप वो सिलेक्ट करें जो आप लोगों ने इसमें पुट करना है और ओके कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कुछ टाइटल देना चाहते हैं आप टाइटल दे सकते हैं, तो मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ प्रेजेंटेशन, इस तरह से ये मेरे पास टाइटल आ चुका है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें आप चेंजिंग होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें जो टैब्स है इसकी ड्रॉ व्यू एंड पेज है, ये एक वन नोट एक अलग से माइक्रोसॉफ्ट है उसमें वो प्रेजेंटेशन जो काम है वो उसमें आप कर सकते हैं, ओपन हो जाएगा उसमें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं ये लिंक लग चुका है, इसके ऊपर लिंक नोट ओपन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे, आप इसको यहाँ से क्लोज कर दें। इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर हम तैयार करेंगे लिंक नोट्स के ऊपर एक अलग से, क्योंकि
क्योंकि ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो इसको हम कंप्लीट जानेंगे, क्योंकि अगर इसमें आप करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो लिंक्ड नोट्स, इसमें आप लोगों को एक शॉर्ट तरीके से बताएं कि आप इसमें स्लाइड्स को लिंक लगा सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं लिंक नोट में। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।